असलम जी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट आप अपना सब अपना ढेर सारा ख्याल रखोगे सब ठीक ठाक होंगे आप लोग हाँ जी सो so, आज मैं आपके साथ आईने एक बहुत ही फनसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉपिंग मॉल एंड येस आई एम एक्साइटेड क्योंकि आपको लास्ट वाली शॉपिंग हॉल वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई थी आप सब लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया था काफी अप्रिशिएट भी किया था सो आई होप कि आपको ये भी अच्छी लगेगी एक और छोटा सा शॉपिंग हॉल में शेयर कर रही हूँ और इसमें से मोस्टली ऑनलाइन पार्सल्स हैं जो कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो उसके रिसीव हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ और प्लस पता है क्या ओकेजनस वगैरह होते हैं ना तो आपको डिस्काउंट्स वेबसाइट पर बहुत अच्छे मिलते हैं काफ़ी कम प्राइस मिल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स पर तो वही अवेल किए मैंने खैर जी बस ये पार्सल जमा होते गए मुझे खुलने का टाइम नहीं मिला फिर मैंने कहा चलो अब जब जमा हो ही गए तो उसकी वीडियो बना लेते हैं साथ साथ आप लोगों को पसंद भी आती है तो बस फाइनली अब वीडियो आ रही है आई होप कि आप लोग इन्जॉय करोगे एंड मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड और हाँ आप लोगों को बता दूँ बहुत जल्द मेरे चैनल पर हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं रियली एक्साइटेड तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जी किस चीज़ का इंतजार है जस्ट डू इट राइट नाउ अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें आप लोगों को पता है इट वॉज वन ऑफ माई गोल मैंने इस एयर के स्टार्ट में अपने विजन बोर्ड पर लगाया था ये टू गेट हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स दिस यार और अलहमदिल्ला बहुत जल्दी हो रहा है आई एम रियली एक्साइटेड चले जी खैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ वरिष्ठ बातें तो मैं करती रहूँगी हाँ जी सोहेर यू कैन सी इट काफी सारे पार्सल्स पड़े हुए हैं बस इसको वन बाय वन अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करता है तो जी सबसे पहले आई थिंक आई एम गोनो ओपन दिस वन हाँ जी चलें इस वाइट वाले पार्सल को ही ओपन करके देखते हैं तो जी ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से और हाँ इस पर दराज का लोगो इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओवरसीज डिलीवर हुआ है आई थिंक ये चाइना या कोरिया से आया है खैर लेट्स जस्ट ओपन इट एंड सी कि इसके अंदर है क्या तो जी यहाँ पर मैं इस पार्सल को ओपन कर रही हूँ और ये रही इसके अंदर की चीजें right, जी सो so, इसके अंदर ये चार अलग अलग किस्म के फेक नेल्स हैं जो कि नेल ऑर्डर किए थे मैंने और इनका जो फ्लैगशिप स्टोर है उसका नाम है एम ई एन जी जी एच आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस मैंग पड़ेगा इसको बहरहाल मुझे बहुत टाइम से नेल्स बाय करने थे मैंने इंस्टाग्राम पे, पे पेजेस चेक किए थे वहाँ पे तकरीबन बारह सौ पंद्रह सौ का एक सेट मिल रहा था मतलब एक डिजाइन मिल रहा था उसके अंदर सिर्फ बारह नेल्स थे बट दिस वन ये मुझे बारह सौ रुपये में आई थिंक साढ़े बारह सौ रुपये में चार डिजाइन मिले और आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है प्लस मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ यू कैन सी इट काफी अच्छी क्वालिटी है सबकी सारे डिजाइन काफी अच्छे हैं इनके पास पता है बहुत सारे डिजाइज हैं और भी मैंने इनकी जो कुछ नेल्स हैं वो में विश्लेष्ट किए के एवनशाला नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करूंगी मैं लेकिन राइट नाउ आई एम लविंग दिस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फाइन क्वालिटी है और बाकी काफ़ी स्मूद है इसके अलावा साइज काफी अच्छा है प्लस इन सब नेल के सेट के साथ ना एक कि अल्कोहल पैड और बाकी नेल फाइलर भी मिला है जो कि बिल्कुल फ्री है हर सेट के साथ सो येस आई एम रियली हैप्पी विद माई परचेज और आई थिंक आपको भी देख के अच्छा लगा होगा अगर आपको बाय करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चले जी सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट पैकेज ये वाला पैकेज ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है तो यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है अच्छा जी हाँ सो so ये हैन बी डरमा की फिफ्टी प्लस लूनर जेल बेस्ड सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा हाइप में आजकर, है आजकल पाकिस्तानी ब्रांड है बाय द वे और जितने भी ब्लॉगर्स मैं फॉलो करती हूँ या जितने भी मैंने इन्फ्लूस्टर्स फॉलो किए मैं सारे इसको यूज़ कर रहे हैं और रेकमेंड कर रहे हैं और ये क्योंकि जेल सनस्क्रीन है तो उसमें कोई ग्रीसीनेस का इशू नहीं होगा ये गैस एंड जितना मुझे पता है वाइट कास्ट भी नहीं होगा इसका क्योंकि जो उसका कंसिस्टेंसी है इसकी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो मतलब कोई वाइट कास्ट का सीन ही नहीं है बाकी हेयर यू कैन सी द बॉटल काफ़ी अच्छी इसकी लुक है बॉटल की भी और पंप है ऊपर तो काफ़ी ईजी रहेगा इसको यूज़ करना प्लस ये प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होगा नीचे से सारा इसको रोल करूँगी मैं तो प्रोडक्ट ऊपर आती जाएगा अच्छा बाय द वे क्वांटिटी नहीं बताई है मैंने आपको सो इट इज 50 एम तो यस आई एम रियली लुकिंग फॉर्व फॉर इट आई होप कि अच्छा हो फिलहाल मैं इसको सही से टेस्ट करूँगी यूज़ करूँगी देन आप लोगों के साथ एक डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगी तो स्टे तो यून अंटिल दैट फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट पैकेज अनबॉक्स करता हूँ हाँ जी सो आई थिंक ये वाला बॉक्स ओपन करके देखते हैं पहले ये है जी दराज का और इसके बिल में प्राइस लिखे हुए हैं थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री और ये बॉक्स ओपन कर लिया है इसके अंदर अगेन ये दो पार्सल्स हैं इसमें से इस वाले पैकेज को खोल के देखते हैं ये दोबारा अच्छा बबल रैप हुआ हुआ है तो इसको ओपन कर रही हूँ मैं अच्छा जी हाँ सो ये है लॉरियल पेरिस की इनफेलिएबल ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन विद एस पी एफ ट्वेंटी फाइव तो अभी ईद के उस टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रही थी मतलब एवरी वन वॉज प्रमोटिंग एट सो आई जस्ट थॉट टू ट्राई इट टू बाई द वही मैंने दराज से बाई की है दराज से अगर आपको ओरिजिनल चीज़ें लेनी हो तो प्लीज़ फ़्लैगशिप स्टोर से लिया करें हर ब्रांड का अलग फ्लैगशिप स्टोर होता है प्लस ईद के टाइम पर बड़ी ज़बरदस्त सेल चल रही थी लॉरियल पर और मेबलिन पर भी मतलब ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द बहुत कम प्राइस में चीज़ें मिल रही थी जैसे ये फाउंडेशन ओरिजिनली थर्टी फाइव हंड्रेड की या 12000 तक की होती है पर डिस्काउंट के बाद मुझे ये मिल गई थी कोई 2600 रुपए की तो जो फ्लैगशिप स्टोर्स होते हैं जो मॉल वाला सेक्शन होता है दराज़ पे वहाँ से बाय किया करें वहाँ से ओरिजिनल चीजें मिलती हैं बाय द वे दिस इज इन द शेड 120 वनीला और जितना मैंने इसके बारे में सुना है इसकी कवरेज बहुत ही कोई आला है बिल्डेबल है और इसके अलावा सबसे अमेजिंग चीज ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है जो कि बहुत कम फाउंडेशनस होती हैं तो इसको मैं ट्राई वरा करूंगी देन यू विल सी अ रिव्यू तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड अच्छा जी सो तो इसी वाले बॉक्स के अंदर ये एक और पैकेज है इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है बाय द वे दिस फील्स कोट हैवी पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है ये खैर इसका बबल रैप उतार रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड लुक एट दिस ये है जी लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रॉर्डनरी सिरम हेयर सिरम है ये इसकी बॉटल बहुत हैवी है और बहुत मोटे ग्लास की बनी हुई है काफ़ी लग्जूरियस इसकी बॉटल है ईद के पूरे टाइम मैंने सिर्फ इसी के ट्रांजेक्शन देखी हैं सारे ब्लॉगर्स इसको प्रमोट कर रहे थे वैसे ये यहाँ पे अभी ये लॉन्च हुआ है इंडिया में बहुत पुराना लॉन्च हुआ है और इंडिया में काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं के तो मुझे इससे तो उम्मीद है कि यह अच्छा होगा फाउंडेशन का मैं कुछ खास नहीं कह सकती लेकिन इसकी मुझे ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट उम्मीद है कि यह अच्छा होगा बाकी फिफ्टी परसेंट टेस्ट करके बताऊंगी अच्छा अलग से हेयर हेर सिरम के प्राइस बताऊँ तो वे वन थाउजें वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री इनकी को भी बारह सौ रुपये हो गए और हंड्रेड एम एल क्वान्टिटी है इसकी अच्छा काफ़ी अच्छी ग्लास बॉटल है आई अंडरस्टैंड डिजाइन भी काफी अच्छा है लेकिन इस पर कैप नहीं है थोड़ा अजीब सा लगा मुझे मतलब आई अंडरस्टैंड ऊपर कैप इसका लॉक होता है तो प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होगा ऊपर से इसका पंप को टर्न करोगे तो लॉक हो जाएगा वो तो आई थिंक सिरम निकलेगा तो नहीं जाहिर है लेकिन मेरे ख्याल से कैप होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता बहरहाल ये हो गया जी सिरम ये था लॉरियल वाला जो पैकेज था मेरा जो मैंने दराज ऑर्डर किया था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों चीज़ों का आप लोग देख लेना चलें जी अब बारी है नेक्स्ट पार्सल की अनबॉक्सिंग की ये वाला पार्सल ओपन कर रही हूँ मैं दराज का और जो भी ये बड़ा हल्का सा फील हो रहा है इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ सो लेट सी टुगेदर कि इसमें क्या है ओके 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 सो अच्छा जी सर so, ये मैंने ऑर्डर किया था आ, पारस आर्ट फीवर कराची ये जी इनके स्टोर का नेम है दराज पे अवेलेबल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, ये है जी कैनवस और साथ में ईजल ये जी टू सेवेंटी रुपीज़ का है इसमें आपको कैनवस ईजल दोनों मिलता है मुझे बहुत टाइम से कैनवस लेना था स्पेशली मिनी कैनवस चाहिए था अच्छा हाँ वेट आई थिंक यूट्यूब को इस बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ मैं थोड़ी बहुत टिंग भी करती हूँ आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मैं बस ऐसे ही फन फन में कर लेती हूँ थोड़ी बहुत या पिक्चर्स लगा रही हूँ आप लोग देख लेना कुछ इस तरह से करती हूँ बिल्कुल बिगनर हू मुझे आती नहीं है बस एवं एवं कर लेती हूँ तो बेसिकली मेरे पास एक स्केच बुक थी टेक्सचर वाली उसके ऊपर करती थी मैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेवल अप करते हैं गेम थोड़ा कैनवस भी ट्राई करते हैं ताकि पता चले उस पर किस तरह की फील आती है और आजकल पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा देख रही थी मैं कि जी मिनी कैनवसिस काफी चल रहे हैं और काफी लोग मिनी कैनवस से पेंटिंग करते हैं बाकी ईजल वगैरह पे लगा के अपनी वर्किंग टेबल पर डेस्क वगैरह पर रखते हैं और ये दोनों ही चीजें काफी क्यूट सी लग रही हैं मतलब देखने बहुत प्यारी लग रही है अच्छा इसके अलावा क्वालिटी बहुत अच्छी है वो सरप्राइज क्योंकि बहुत कम प्राइस है इसके मतलब ज़ाहिर सी बात है बहुत अफोर्डेबल है इसका जो ईजल है उसकी वुडन क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है और जो उसका कैनवस जो फ्रेम है उसके बैक पे आप देख सकते हो बैक पे अक्सर फ्रेम्स बहुत बुरे लग रहे होते हैं लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है सो so, मुझे वैसे तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त लगा है ये बाकी से पेंटिंग करूँगी तो पता चलेगा लेकिन फिलहाल के लिए आई एम रियली हैप्पी विद बर्थन परचेज फाइव आउट ऑफ फाइव चलें जी अब दूसरा पैकेज खोल के देखते हैं कि उसमें क्या आई थिंक मैं ये ओपन करने वाली हूँ और ये है जी फुकेर का इनकी जो अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर किया था ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चलें जी साथ में आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या है तो ये साइड से मैं कर रही हूँ उसे कट और सारा सामान पहले निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि करके कि क्या क्या है इसके अंदर अच्छा तो पहला प्रोडक्ट ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये है फैले और फ्लूड फाउंडेशन ये इसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन है और ये इसका बॉक्स है एज़ ऑलवेज़ आपको पता है फकीलर की पैकेजिंग टॉप नॉर्थ होती है बेस्ट होती है हमेशा हाई क्लास दिखती है तो वैसे ये मैट ब्लैक बॉक्स है बाकी दिस इज़ इन द शेड जीरो फोर नेचुरल और ये फाउंडेशन आपको मैं ओपन करके इसका बॉक्स ओपन करके दिखा रही हूँ अंदर से आप ये देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी है मिनिमल सी पैकेजिंग है बाकी इस पर लिखा है फुकेले और स्किन एवोल्यूशन फ्लूड फाउंडेशन प्लास्टिक की बॉटल है ये बाकी उसका कैप मैं हटा के दिखा रही हूँ आपको आप देख सकते हैं पंप लगा हुआ है इसके ऊपर और बाकी फाउंडेशन के स्वैच इसका रिव्यू वो सब आपको किसी और वीडियो में मिलेगा जब मैं उसे इस ट्राई कर लूँगी अच्छा फाउंडेशन के अलावा ये इसमें है एक और बॉक्स और अगेन पैकेजिंग वगैरह बिल्कुल सेम है वैसे ही मैट ब्लैक बॉक्स है इसका और ये है जी लूज़ पाउडर इनका और ये है मेरे पास इन द शेड ज़ीरो टू हाँ जी सो ये इसका बॉक्स मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ तो ये इसको निकालती हूँ तो अंदर से ये कुछ इस तरह से है लूज़ पाउडर एंड फॉर रियल मैंने फुकेले और के जो भी रिव्यू वीडियोस देखी हैं प्रोडक्ट्स की सब लोगों ने इस चीज़ को रेकमेंड किया है सारे फैले के प्रोडक्ट्स में आई थिंक ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है तो आई हैव हाई होप्स विद दिस क्योंकि मुझे लग रहा है अच्छा होगा बाकी आ, पाकिस्तान में अच्छे लूज़ पाउडर सेटिंग पाउडर इतने कम प्राइस में नहीं मिलते हैं अच्छा प्राइजेस के हैं फाइव ऑलमोस्ट वो सिक्स हो गए तो आई थिंक अच्छा होगा बाकी ट्राई करके ज़ाहिर आपको बताऊँगी मैं कैसा है कैसा नहीं है वैसे लुकिंग वाइज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ए अच्छा इसके अलावा ये है जी का यंग आई मास्क ये एसिड के आई मास्क सो सपोज टू वर्क फॉर द मॉइस्चर ऑफ योर स्किन और जो एजिंग की वजह से रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं उसके अगेंस्ट काम करेगा उसको नहीं होने देगा क्योंकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी आईज वाले साइड से तो ये है बस इसका परपज बाकी इसके प्राइस है जी 68 अच्छा ये तो सारा ऑर्डर का सामान बाकी इसके अलावा ये साथ में एक फ्री भी आया है बिल्कुल फ्री गिफ्ट है इनकी तरफ से ये है जी इनका फेस मास्क देखने में लग रहा है पता नहीं कैसा अंडा है जैसे शायद इसके अंदर ब्लू कलर की सर्दी रखी हुई है लेकिन ऐसा नहीं है ये इनका जेल मास्क है इसका पीछे जैसे पैक ओपन करके और किस चीज़ से उसको अच्छे से मिक्स करके बस फेस मास्क की तरह पूरा लगाना है बिल्कुल जेल फॉर्म में है ये सपोज टू तो कंट्रोल ऑयल तो मुझे पता नहीं है एक्जैक्टली ये होगा कैसे अब इसको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा चलें जैसे ये तो हो गई हैं सारी चीज़ें फुकैल और की आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने और अगर आप लोगों में से किसी को बाय करना हो तो उसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी और हाँ ये इंडिया में भी इजिली मिल जाता है इनकी अपनी वेबसाइट भी इंडिया में और बाकी पर्पल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आपको ईजिली मिल जाएगा अच्छा अभी जो मैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ना ये शॉपिंग नहीं है ये मुझे एक्चुअली पी आर पैकेज आया था फ्रॉम क्रिएटिव बेल्स कॉर्नर एंड शी इज द स्टूडेंट बिहाइंड दिस पेज और काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है वो इनके पास पोलॉइड्स होते हैं अगर आपको अपनी मेमोरीज वगैरह यादगार बनानी हो अपने कोई स्पेशल मोमेंट्स यादगार बनाने हो तो आप उसको पोलोरोइड्स में कन्वर्ट करा सकते हैं बाकी उसको डेकोरेट वगैरह करने के लिए फेरी लाइट्स और वुडन क्लिप्स बाकी फोन कवर वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं तो अगर आप चाहें तो फोन कवर में भी लगा सकते हो काफ़ी अस्थेटिक और क्यूट लगता है नहीं तो जरूर चेक कीजिएगा उनका पेज और फॉलो भी जरूर कीजिएगा अच्छा सो पार्सल में इन्होंने ये चीज़ें भेजी हैं इसमें सबसे पहले उन्होंने एक हैंड रिटन नोट भेजा है और ऐसे नोट्स हमेशा ही बहुत क्यूट लगते हैं सो थैंक यू सो मच बाकी इसके अलावा जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ तो सबसे पहले जी हमारे पास है इनके पोलोरॉइड्स अच्छा सो इसके अंदर ट्वेंटी पोलोइड्स हैं और सारे मैंने खुद सेलेक्ट करके भेजे थे आप भी चाहो तो अपनी पिक्चर्स वगैरह ही भेज सकते हो आप ये फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद हो जो भी आपको फलवाइट में बनवाना हो वो आपको ये बना के दे देंगी एंड ये सारी मैं आपको यहाँ पर अरेंज करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या था इसमें सब कुछ मैंने अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से भेजा था आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली आपको आसमान की बादलों की पिक्चर और नेचर की पिक्चर्स दिखेंगी इसके अलावा कुछ मेरे फेवरेट कार्टून करेक्चर्स हैं जैसे कि ब्लॉसम है पोलिना सेंचेज है बाकी इसके अलावा हाँ बी टी एस की पिक्चर हैं जंकू की पिक्चर है और टेलर स्विफ्ट की मेरे कुछ फेवरेट कोर्ट्स हैं तो ये सारी चीज़ें हैं अब इससे अपनी आप वॉल भी डेकोरेट कर सकते हो पूरी फुल कोलाज बॉल बना सकते हो फेरी लाइट के साथ हैंग कर सकते हो अपने मोबाइल कवर में लगा सकते हो जैसा आपको दिल कर बस काफी क्यूट और अच्छे लगते हैं पोलेर अच्छा अगर ये पी आर पैकेज ना भी होता मैंने खुद भी खरीदा होता ना अगर तो भी मैं सेम बात कहती और वो यही है कि जो पोलेरोड्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है जो इसका टेक्स्चर है बहुत स्मूद है और जो एस डी कैमरा वाले रिजल्ट होते हैं ना उससे भी अच्छी क्वालिटी लग रही है मतलब बहुत क्लीन इमेज आई है अच्छा इसके अलावा पोलोरॉड्स के अलावा देव सेंटेड मी डीज फेरी इसे आप बॉल पे लगा के अपने रूम में बाकी ये हैंग कर सकते हो पोलोरॉड्स को और वो पिक्चर्स को साथ हैंग करने के लिए इन लोगों ने ये वुडन क्लिप्स भी भेजे हैं काफी क्यूट से क्लिप्स हैं यानी देखने में ये काफी क्यूट लग रहे हैं बहरहाल आप इसको अपनी पिक्चर्स जो है साथ हैंग कर सकते हैं तो इसको डेकोरेट खुद इस तरह से करने वाली है मैं जब करूँगी तो इनमें मैं जरूर शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे हाँ जी सो ये थी वो चीज़ें जो कि मुझे सेंड की थी क्रिएटिव बेल्स कॉर्नर ने यह इनका पेज है जरूर सपोर्ट कीजिएगा फॉलो कीजिएगा और चेक कीजिएगा इनके पास डील्स वगैरह भी होती हैं काफी अच्छी कम प्राइस में होती हैं जिसमें आप ये डेकोरेशन वाली डील भी ले सकते हो इसके अलावा डील होती है। इसमें आपको कवर भी मिल जाएगा आप वो भी ले सकते हो जो बटर लगे ओके okay, जी तो इसके अलावा अभी एक और पैकेज अनबॉक्स करने लगी हूँ ये भी दराज का ही ऑर्डर है बट ये पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे ये चेक करना था ताकि कोई इशू हो तो मैं रिटर्न कर सकूँ अच्छा इसके प्राइस थे अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इट इज बोया का बी वाई माइक्रोफोन कॉलर माइक्रोफोन है ये फोर डी एस एल आर तो व्लॉग्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये आई हैव हर्ड इट कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नाइनटीन फिफ्टी लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है चलेगा इतना तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी करनी है ऑडियो की मुझे इतना इशू नहीं होता है क्योंकि मैं मोस्टली वॉइस ओवर कर रही होती हूँ लेकिन जब भी व्लॉग्स वगैरह का भी बनाओ तो बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा बेकार आती है और अक्सर पीछे से आवाज़ इतनी आ रही होती है कि मेरी आवाज़ इतनी नहीं आती है तो जिस बॉक्स को ओपन करते हैं तो अंदर से ये इनकी एक गाइड मिलती है इसके अंदर सारी गाइड है बाकी शायद वारंटी भी इसी के अंदर है और इस बुकलेट के अलावा जी ये है हमारे पास लेदर का पाउच इसके अंदर क्या क्या सामान है मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सबसे पहले ये दो चीज़ें हैं इसमें ये आई थिंक इसकी जो बड़ी वाली पिन है एफ एम नोट रॉन्ग या डी एस एल आर के लिए है और बाकी साथ में ये क्लिप है इसको कॉलर पर लगाने के लिए अच्छा इसमें एक ये पैकेट होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं एक होता है ये छोटा वाला सेल जो कि इसमें लगता है बाकी इसके अलावा ये है फॉर्म फॉम स्क्रीन ये नॉइस कैंसिलेशन वगैरह के लिए होती है बाकी ये इसका मेन पार्ट है ये पूरा वायर है और आई थिंक ये वही सिक्स मीटर तक का है और इसके अंदर यहाँ पर साइड पे वो जो फॉर्म है ना वो लगेगी माइक है समझा अभी ये और इसके अलावा ये इसका बैटरी का पार्ट है यहाँ से ऑन ऑफ भी होता है और यहीं से सेल भी लगता है बाकी ये स्क्रीन पेन है ये आप मोबाइल में लगाएंगे और अगर डी एस की लगाना है तो वो उसमें लगा के वो बड़ी वाली पिन डी में लग जाएगी बाकी अच्छा हाँ ये डायरेक्ट कैमरा से ऑपरेट नहीं होता है ये वाला माइक अगर आप डायरेक्ट कैमरा में लगाओगे तो ये माइक काम नहीं करेगा आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा ओपन कैमरा के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आइए उस पर भी होगा शायद वो डाउनलोड करना होगा फिर आप उससे रिकॉर्ड करोगे तो ये माइक वर्क करेगा सही से हाँ जी तो ये तो सब मैंने आपको पूरा पैकेट दिखा दिया माइक्रोफोन का अब बारी है नेक्स्ट पैकेज की और मैं ये वाला ओपन करने वाली हूँ अभी तो इसको ओपन करके दिखा रही हूँ मुझे मुझे तो अंदाजा हो गया भाई इसके अंदर क्या है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा आप लोग देखो साथ, साथ। अच्छा सो तो पैकेट ये मैंने ओपन कर लिया है पैकेजिंग वगैरह और ये रहा सामान आप देख सकते हैं क्या है आपको अंदाजा हो गया होगा ये सारा पेंटिंग का सामान है तो जी दराज पे एक स्टोर है आर्टिशन के नाम से वहाँ पे ये कोई डील आई हुई थी वहाँ पे हज़ार रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही थी वरना अगर ये सब अलहदा अलहदा बाय करते तो मेरे हाल से कोई दो हजार, हजार तक का तो हो तो ही जाता और इसमें से मोस्टली चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मैंने कहा डील ज़्यादा बेटर है ले लेते हैं तो बस ये मैंने ले लिया अच्छा आपको चीज़ें दिखाती हूँ सबसे पहले ये है इसमें ये इसके ब्रशेज हैं और इसके अंदर ये एक सेट में ना ये दस ब्रशेज हैं इसके अंदर और ऑलमोस्ट सारी के ब्रशेस हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है वरना मेरे पास सिर्फ तीन ही थे उसके भी ब्रिस्टल्स काफ़ी ख़राब हो गए थे अच्छा इसके ब्रशेस के अलावा मेरे पास ये आया है डील में कलर मिक्सिंग पैलेट प्लास्टिक की ये पैलेट है, है। इसमें ज़्यादा इजी हो जाता है कलर्स वगैरह मिक्स करना और निकालना इसके अलावा जी ये है हाँ अरकैली कलर्स हैं ये और इस पैकेट के अंदर ये बारह ट्यूब्स हैं यानी कि बारह कलर्स हैं और मुझे पता नहीं है वैसे इसके बारे में इतना लेकिन मेरे ख्याल से अरकाली कलर ज़्यादा अच्छे रहते हैं पेंटिंग वगैरह के लिए इससे पहले पेपर पर मोस्टली मैं पोस्टर कलर यूज़ करती थी तो मुझे इसलिए इसका अरकैली कलर्स का इतना आइडिया नहीं है बट यूज़ करूँगी तो मुझे अंदाजा हो जाएगा फिर आपसे शेयर करूँगी अच्छा सो कलर्स के अलावा ये तीन कैनवसेज हैं ये सबसे बड़ा वाला है ये है जी ट्वेल्व बाई ट्व का और हाँ इस पर जो जैसे होते हैं ऑलरेडी अप्लाइड है यानी कि प्राइम हुए में ये इस पर जो बेस होती है प्रिंटिंग की वो डली हुई है बाकी एक बाई टाई एट का है और छोटा वाला सिक्स 6 बाई 6 का है हाँ जी सो तो ये सब आएगा डील में अगर आप बाय करेंगे मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है मुझे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं आप भी बाय कर सकते हो अगर आप चाहो अगर आपको पेंटिंग वगैरह करनी हो या ट्राई करनी हो सारी चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है प्लस प्राइस वगैरह के हिसाब से एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है इन सब चीज़ों को यूज करने की अच्छा जी चलें खैर अभी बाकी पार्सल अनबॉक्सिंग करते हैं सो इसके बाद अब मैं ओपन करने वाली हूँ ये वाला बॉक्स अच्छा सो ये है को नेचुरल का और को नेचुरल वैसे पाकिस्तानी एक ब्रांड है और इनके पास हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं बाकी देख ले कि ये हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक ब्रांड है अच्छा खैर काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने बीच में मदर डे सेल लगी थी अभी इनकी वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था मुझे और इसका टोटल बिल बना था कोई थ्री समथिंग का तो अब चीज़ें मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ बॉस एरा बॉक्स ओपन कर लिया मैंने ये आप देख सकते हो इसमें पैकेज के ऊपर ये फूल की पत्तियाँ पड़ी हुई थी गुलाब की और आई थिंक जब ये पार्सल आया होगा तो शायद ये फ्रेश होगा क्योंकि इस पार्सल को आएगा भी पंद्रह बीस दिन हो गए लेकिन अभी ड्राई हो गया है तो काफ़ी अच्छा स्वीट सा गेस्टर लगा इसमें से अभी तक काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी गुलाब के अच्छा बाकी इसके अलावा इसको ओपन कर लिया मैंने रैपर वगैरह इसका हटा देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें। हाँ जी तो सबसे पहले इसमें यह है कोन नेचुरल की फ्रेश फ्लावर्स हाइड्रेटिंग मिस्ट इट इज सपोज टू हाइड्रेट यूर फेस बाकी स्किन को रिफ्रेश फील कराएगी आई थिंक और इस मिस्ट के अलावा यहाँ पर जो ये दो फेस वॉशिज हैं इसके तो मुझे इतने मैसेजेस आए थे कि इसका रिव्यू करें इसको ट्राई करके बताएं कि ये फेस वॉश अच्छा है या नहीं इसमें ये एक है टी ट्री और नीम का बाकी दूसरा वाला है इसमें रोज़ फेस वॉश तो मैं दोनों ट्राई करूंगी फिर बताऊँगी आप लोगों को अच्छा जी तो फेस वॉश के बाद अभी आ गया है एक और बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट इट इज़ को नेचुरल का रोज़ फेस जेल इट इज़ ए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो कि सारे स्किन टाइप्स के लिए इसके रिव्यूज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी तो अभी फाइनली बाय कर लिया अब इसको यूज़ करूंगी फिर बताऊंगी एक्जैक्टली कैसा है अच्छा इसके अलावा ये ख़रीदी थी मैंने को नेचुरल की एसेंशियल डे क्रीम इट इज़ अ मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है यानी कि और इसके अंदर पैराबेंस मिनरल और बाकी सल्फेट सिलिकॉन्स ये सब चीज़ें नहीं है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है तो अब ये क्रीम भी मैं इंशाल्लाह यूज़ करके फिर इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर करूँगी इसके अलावा जी को नेचुरल का है ये लास्ट प्रोडक्ट इट इज़ देयर शैम्पू और ये है इनका हेयर ग्रोथ शैम्पू इसमें पैराबेंस नहीं है सल्फेट नहीं है सिलिकॉन नहीं है सॉल्ट फ्री है और इनके शैम्पू के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं बैठा हुए तो इसीलिए मुझे से बड़ी होप्स हैं बाकी तो खैर इसको ट्राई करेंगे तभी तो अच्छा चलेगा एक्जैक्टली कैसा है बाकी इसकी बॉटल काफ़ी यूनिक है काफ़ी अच्छी मतलब हाई एंड बॉटल लग रही है तो ये हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो तो कि मैंने को नेचुरल से बाय किए थे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा अच्छा गया है क्योंकि काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं प्रोडक्ट्स बहुत क्लासी और हाई एंड लग रहे हैं और आई थिंक अच्छे होंगे भी बाकी ट्राई करूँगी फिर प्रॉपर रिव्यूज़ आएंगे तो स्टेट यून फॉर देट हाँ जिसको को नेचुरल के बाद अब मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ये वाले पार्सल की ये दराज़ का है मैंने अभी एक वीक बिल ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हुआ था एक दो दिन पहले अच्छा इस पार्सल का टोटल बिल बना था सेवन फिफ्टी सेवन रुपीज़ और इसमें एक ये मैंने बाय किए हैं ब्रशेज़ का सेट और इसके सेपरेट प्राइस हैं टू सेवेंटी नाइन तो ये मनी ब्रशेस हैं काफ़ी क्यूट क्यूट से हैं कलर्स भी काफ़ी प्यारे हैं और ये टोटल हैं सिक्स सेवन एट नाइन हाँ ये कोई एट से नाइन ब्रशेस हैं इसमें सारे ही ऑलमोस्ट हैं ब्लश का है फाउंडेशन का स्पूली है आई शेड ब्लेंड करने के लिए है लिप ब्रश है सारे ही ब्रशेस हैं ब्रिस्टल्स भी काफ़ी सॉफ्ट हैं सो आई थिंक अप्लाई करने में काफ़ी ईजी होगा अच्छा इसके अलावा ये ऑर्डर की थी मैंने एटीन कलर्ड आई शेडो पैलेट इसके अलग से प्राइस हैं फोर हंड्रेड तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हो ये सारे ऐसे शेड्स हैं जो कि टीनेजर फ्रेंडली भी हैं यंग गर्ल्स वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं प्लस वाकई में काम आने वाले हैं ऐसा नहीं है वाइब्रेंट पर्पल नियॉन ग्रीन इस टाइप के कलर्स हों ये सारे काम आने वाले हैं प्लस इसमें आपको मैट भी मिल जाएगा ग्लिटरी मिल जाएगा और इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे पास ये पैलेट ऑलरेडी थी मैं यूज़ कर चुकी हूँ ये सामान मैंने फ़िलहाल गिव अवे में ऐड करने के लिए मंगवाया इन शह हंड्रेड के होंगे तो मैं गिव अवे अरेंज करूँगी तो स्टे यून फॉर देट टू सो ये सामान था जो कि दराज से मैंने ऑर्डर किया है दोनों चीज़ें ये ब्रशेज़ और ये आई पैलेट हाँ जी सो ये दराज वाले पैकेज के बाद अब बारी है फाइनली लास्ट शॉपिंग की अच्छा ये ऑफलाइन शॉपिंग थी ऑनलाइन नहीं थी है ये भी रिसेंटली मैं चैज वैल्यू गई थी वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी इनफैक्ट मैंने ब्लॉग भी बनाया था ये रहा वो ब्लॉग आप लोग देखना आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अच्छा सो वहाँ पे जब मैंने शॉपिंग की तो मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे कि किसने कहा था कि आपने क्या खरीदा है शॉपिंग हॉल दिखाइएगा उसका मैंने कहा चलो जी ठीक है वीडियो बना दूंगे उसकी सो ये रहा वो शॉपिंग हॉल अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिया था मैंने तो सबसे पहले है ये एक ड्रेस जो कि मैंने खरीदा था इट इज़ अ थ्री पीस ड्रेस अच्छा ये एमिनेंट ब्रांड का है एमिनेंट चेस वैल्यू का ही अपना एक ब्रांड है तो ये थ्री पीस ड्रेस है आप लोग ये पिक्चर में देख लो कुछ जिस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड है अच्छा बाकी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसे है अच्छा हाँ इसके प्राइस इसके प्राइस हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ य चौबीस सौ में थ्री पीस मिला है और इट इज़ अनस्टिच बाय द वे और ये ओपन कर लिया आपको दिखा रही हूँ ये इसका दुपट्टा है जॉर्जेट का इस पर चुनरी वाला प्रिंट हुआ हुआ है बाकी ये गला है इसका एम्ब्रॉयडरी वाला पैच वर्क है ये गले पर लगेगा और बाकी ये दोनों इसमें एक शर्ट का है, एक ट्राउजर का कपड़ा है ये आप इसका प्रिंट देख लो कुछ इस तरह से टाई एंड डाई वाला है आजकल काफी चल रहे हैं तो मुझे अच्छा भी लगा था मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ सो so, इसके अलावा अच्छा मैंने चैस वेलो से बाई किए थे ये शैम्पू लॉरियल के ये वो टोटल रिपेयर फाइव वाला जो रेंज है उसमें से ये इनका और कंडीशनर है तो ये बाई किया था मैंने अच्छा इसके अलावा चैस वेलो से ये मैंने कुछ ज्वेलरी सेक्शन से कुछ चीजें उठाई थी वहाँ पर ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे बायदे इसके प्राइस थ्री हंड्रेड रुपीज है ये इयर हैं कुंदन का काम हुआ है इस पर यह मुझे सच्ची एक दफा देखने में इतने अच्छे लगे थे कि मैंने बिना सोचे समझे बस ये खरीद लिया एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट बाकी इसके अलावा ये एयरिंग का एक सेट उठाया था मैंने ये आई थिंक टू हंड्रेड रुपीज का था पूरा सेट इसमें तीन पेयर है स्टड्स के बाकी इसमें तीन पेयर है हुप इंग्स के और इसमें जो सेंटर में ये हैगजोगा शेप वाले एयरिंग हैं और जो छोटे वाले हैं दोनों ही मुझे काफी डिफरेंट और अच्छे लगे थे तो इसलिए मैंने बाय किया था अच्छा अदर देन दिस आई गॉट दिस नॉन स्टिक फ्राई पैन है इसके प्राइस नाइन सिक्सटी फाइव थे शायद और काफी अच्छा फ्राई पैन है क्योंकि चेज वैल्यू से मैंने इससे पहले भी नॉन स्टिक कुछ पॉट्स वगैरह लिए हुए हैं फ्राई पेन लिए हुए हैं सो इतना तो आई कैन टेल की क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी होती है क्रॉकरी की बाकी इसके अलावा ये वाटर बॉटल थी इसके प्राइस थे वन फिफ्टी फाइव रुपीज़ और आई गेस प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है इसके और बॉटल भी अच्छी है अच्छा इसके अलावा एक ये हेडबैंड लिया था इसके प्राइस फोर्टी फाइव रुपीज़ है बस क्यूट लग रहा था तो ले लिया अच्छा इसके अलावा ये शॉपर कुछ मेकअप स्किन केयर के सेक्शन से तो यहाँ से मैंने लिया था एक तो ये एस टी आई का स्क्रब ओट मिल वाला है ये आई रियल इलाइटेड में पहले यूज़ कर चुकी हूँ बाकी ये रिवाज का ब्लैक हेड रिमूवर है इट्स लाइक अ पील ऑफ मास्क और ब्लैक हेड्स के लिए काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है अच्छा इसके अलावा ये बाय किया था मैंने आईलैश कर्लर और ये मिस रोज का कंसीलर जो पुराना वाला था वो ख़त्म हो गया था तो मैंने ये बाय किया है आइवरी शेड में ये अच्छा इसके अलावा मैंने ये वाला कंसीलर ख़रीदा है जो कि बहुत टाइम से मेरी विश लिस्ट में था सो आई एम रियली एक्साइटेड फाइनली 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 मैंने बाय कर लिया है ये ये है जी मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड न्यूट्रलाइजर एंड दिस इज हाउ इट रियली लुक्स लाइक एंड सभी के पास मैंने कंसीलर देखा है सारे मोस्टली लोग इसको पसंद करते हैं तो मुझे भी ख़रीदना था और फाइनली खरीद लिया है तो यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी एक्जैक्टली कैसा है अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल लास्ट चीज़ इस शॉपिंग हॉल की और वो मैंने बाई की थी ये दो नेेल पेंट्स आप देख सकते हो ये वाली रिवाज यूके की है इट वॉज लाइक वन और इसका शेड है ट्वेंटी पर्पल काफ़ी अच्छा वाला कलर है और ये है जी गोल्डन रोज़ की कलर एक्सपर्ट नेल पेंट इसका शेड नंबर मुझे एक्जक्टली समझ में नहीं आ रहा है बट आई थिंक ये है जीरो और ये थोड़ा क्रीमी न्यू टाइप का कलर है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये भी सो ये है वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेकअप और स्किन केयर के सेक्शन से ली थी अच्छा से चेस्ट वैल्यू से दो तीन चीज़ें और भी ली थी आई थिंक स्लीपर्स वगैरह ली थी और शेड्स लिए थे और भी कुछ चीजें थी बट वो यूज करने लग गई थी मैं तो अब क्या ही दिखाऊंगा हाँ जी सो दट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स और पैकेजेस जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाए थे एंड आई नो ये बहुत सारा सामान है फिलहाल बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये समेटूंगी किम जी जी, भी करना है कर लेंगे अच्छा लेकिन हाँ जस्ट टू लेट यू नो डोट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ वीडियोज मोर ऑफ एन क्योंकि आई एम ऑफिशियली ब्रोक नाउ सारी की सारी सेविंग्स मैंने अपनी उड़ा दी थी पैसे बिल्कुल खत्म हो गए बट आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी आपको पसंद आई होगी इस तरह की शॉपिंग हॉल और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मुझे ही बड़ी अच्छी लगती है अभी काफ़ी देखती हूँ अच्छा आप लोग कमेंट्स में बताना आपको सबसे अच्छा पैकेज कौन सा लगा प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा और जल्दी से रिव्यू आपको किस प्रोडक्ट का चाहिए तो मैं उससे तो पहले काम कर लूँगी एंड यस बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल अल्लाह अल्लाजेंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा बाय बाय